धरती पर आज भी मौजूद है कालिया नाग। मथुरा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर जैत गांव में स्थित मंदिर में एक नाग के जैसे दिखने वाली पत्थर की मूर्ति मौजूद है, जो कोई और नहीं बल्कि असली कालिया नाग है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को युद्ध में परास्त कर दिया था। कालिया नाग के विष के कारण यमुना नदी जहरीली हो गई थी, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग से कहा, यहां से चले जाओ और कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना। यदि तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम उसी समय पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। यह सुनकर कालिया नाग वहां से चला गया, लेकिन उसने भगवान श्री कृष्ण की चेतावनी नहीं मानी और मथुरा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर जैत गांव में उसने पीछे मुड़कर देखा, जिसकी वजह से कालिया नाग उसी समय पत्थर में बदल गया। इस मंदिर में मौजूद कालिया नाग की इस मूर्ति के आगे का हिस्सा टूटा हुआ है। कहा जाता है अंग्रेज इस मूर्ति को चुराना चाहते थे, लेकिन जब वे ऐसा नहीं कर पाए तो उन्होंने इस मूर्ति को क्षति पहुँचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से इसमें से रक्त बहने लगा था। माना जाता है कालिया नाग की यह मूर्ति जमीन के अंदर ही अंदर बहुत दूर तक मौजूद है। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में लिखना ना भूले।